स्वागत है। मैं आपके साथ मिली गुप्ता। केजरीवाल ने दशमी के मौके पर मनीष सिसोदिया से कहा कि स्कूल में आप बच्चों को सार्थक पढ़ाइए और हम दिल्ली में बाबा अंबेडकर साहब को पढ़ाएंगे। देखिए, बुद्ध धर्म को अपनाया था। विजयदशमी के दिन नागपुर के अंदर दो घटनाएं घटती हैं हर साल। आरएसएस के हेडक्वार्टर के अंदर शस्त्र पूजा होती है और नागपुर के अंदर भारी तादाद में पूरे देश से दलित समाज से लोग इकट्ठे होते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं जिस दिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। और दो साल से मात्र चंद लोग जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं उसका दूरदर्शन लाइव टेलीकास्ट करता है, लेकिन लाखों दलित जो बाहर मैदान के अंदर नागपुर के अंदर इकट्ठे होते हैं अपने बाबा साहब अंबेडकर को याद करने के लिए, उनका दूरदर्शन लाइव टेलीकास्ट नहीं करता है। अभी आप सबने एनसीईआरटी सुना होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, उसकी जो राष्ट्रीय परिषद है, उस राष्ट्रीय परिषद के जो चेयरमैन है वो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर होती है, स्मृति ईरानी जी उसकी चेयरपर्सन है, और उसके जो मेंबर होते हैं वो देश के जितने राज्य हैं हर राज्य का शिक्षा मंत्री उसका मेंबर होता है। अभी पिछले हफ्ते उनकी मीटिंग हुई। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, इनको वहां जाने का मौका मिला। ये वहां गए और लौटने के बाद ये पूरा किस्सा मुझे बता रहे थे कि उस मीटिंग में क्या हुआ। एनसीईआरटी की मीटिंग में इन्होंने बताया, पांच मिनट पहले, पांच मिनट में जो उनका फॉर्मल एजेंडा था वो पूरा कर लिया और उसके बाद चर्चा शुरू हुई। उसमें कई बीजेपी शासित राज्यों के भी शिक्षा मंत्री थे। चर्चा शुरू हुई कि सावरकर को स्कूलों के सिलेबस में लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए। मनीष ने उसका विरोध किया। आधा घंटा पौना घंटा इसकी चर्चा चली कि सावरकर को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। जब मनीष ने विरोध किया उनको लगा बाहर बात फैल जाएगी, तो स्मृति जी कहते हैं नहीं नहीं इसको बात को यहीं खत्म करते हैं, हम नई शिक्षा नीति बना रहे हैं उसमें डाल देंगे इसको, बाद में आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं आज मनीष सिसोदिया से अपील करना चाहता हूं, उन लोगों को सावरकर पढ़ाने दो, आप दिल्ली के सारे स्कूलों में अंबेडकर साहब को पढ़ाइए। बाबा साहब के जीवन, बाबा साहब के जीवन और बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के संदेश, इनको विस्तार से आप दिल्ली के सारे स्कूलों में इसका सिलेबस तैयार किए और सारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर वो खुद छुआछूत का शिकार हुए थे, उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय बर्दाश्त किया था, इसलिए उन्होंने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। वो जानते थे कि यह समाज वो समाज है जिसने सदियों सदियों से अन्याय बर्दाश्त किया, सदियों से उन्होंने छुआछूत बर्दाश्त किया है। अगर उस समाज को अपने को बराबर लाना है तो अपने को उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आज मौजूदा सरकार, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं रिजर्वेशन के ऊपर पुनर्चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। चुनाव हार जाएं तो कहते हैं दलितों के वोट चाहिए, चुनाव हार जाएं तो कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, चुनाव जीतने के चांस हो तो कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो, सारा देश देख रहा है इसको। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। आज ये देश कौन से संविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से या मनुस्मृति के संविधान से? हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यह संविधान दिया है
इस संविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होने देंगे। आज इन्होंने संविधान के पर खच्चे उड़ा रखे हैं। इन्होंने अरुणाचल के प्रदेश के अंदर सरकार तोड़ दी, खरीद लिए, सरकार तोड़ दी, सरकार गिरा दी। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तो ये नहीं कहता। बाबा साहब अंबेडकर संविधान कहते चुनाव लड़ो, जीत के आओ। चुनाव लड़ने की ताकत नहीं बची। अब सरकारें तोड़ेंगे, सरकारें गिराएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सरकार तोड़ दी, उत्तराखंड की सरकार तोड़ दी, अब कह रहे दिल्ली के 21 एमएलए बर्खास्त करेंगे। कर लो बर्खास्त, आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ते हैं। हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ते हैं हम। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तुम ये बैकडोर एंट्री करना बंद करो, ये देश की जनता पर। इस बुलेटिन बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।